खंडहर में काले सांप को पुनर्जीवित किया गया है और वो हमला करने के लिए एसन की ओर बढ़ रहा है। रुको, हरक्यूलिस ने अपने बेटे को काले सांप से लड़ने में मदद की। हालांकि उस रहस्यमय लड़की ने सांप की मदद करने और हीरो को पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों किया, तो एसन उन्हें कैसे हरा सकेगा? आइए अब वाव फेरी टेल्स के साथ पता लगाते हैं। एसन, तुम कब से इतने ताकतवर हो गए? जब से आपने नियम बनाया है कि मेरे पिता हरक्यूलिस के ओलंपिया से लौटने से पहले हारने वाले को बड़े ड्रैगन कुत्ते को नहलाना होगा। इसका मतलब है कि वो ड्रैगन कुत्ता मेरी किस्मत को कम कर देगा, इसलिए एसन अब मेरा जादू देखो। लेकिन इससे पहले कि एसन और शक्तिशाली हमला कर पाता, पर्सियस ने मेड्यूसा की ढाल को जल्दी से पकड़ लिया, एक ऐसा खजाना जिससे प्रतिद्वंदी को हरा दिया और उसे एसन की ओर बढ़ा दिया। मेड्यूसा की ढाल, उसकी आंखों को मत देखो, नहीं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। कृपया इस ढाल को मुझसे दूर ले जाओ, मैं हार मानता हूँ, मैं ड्रैगन कुत्ते को नहलाने के लिए ले जाऊंगा। तो एसन पराजित होने की बात स्वीकार करता है, जीत पर्सियस की हुई। ड्रैगन कुत्ते, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, जल्दी से नहा लो। आखिरकार मुझे वो मिल गया जो मैं लंबे समय से चाहती थी। ड्रैगन कुत्ते, ध्यान से नहाना, याद रखना मैं यहाँ थोड़ी देर लेटने जा रहा हूँ, चाचा पर्सियस के साथ लड़ने से मैं थक गया हूँ। हालांकि ड्रैगन कुत्ता नदी में खेल रहा था जब उसने देखा कि एक खूबसूरत जीव उसके पास आ रहा है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। क्या चल रहा है ड्रैगन कुत्ते, तुम कहां भाग रहे हो? अरे रुको, वो कहां है? हे, ध्यान से, तुम एक सांप को छू रहे हो। क्या, सांप? रास्ते से हट जाओ, मेरी सहायता करो। इसे पकड़ लो और जल्दी से ऊपर आ जाओ। फिर लड़की की मदद से एसन आसानी से ऊपर आ गया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा? माफ करना, तुम घबरा गए होगे जब तुम्हें बचाने वाली लड़की के चेहरे पर सांप का इतना डरावना निशान हो। कृपया मुझे गलत मत समझो, मैं बस ध्यान से। ऐसा लगता है कि तुम्हें दलदल के किसी सांप ने काट लिया है, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। धन्यवाद, लेकिन अभी मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब निशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत ईमानदार और दयालु है, इसीलिए यदि मैंने तुम्हारा अपमान किया हो तो मुझे माफ कर दो। धन्यवाद, तुम्हें गलत समझने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मुझे बस इस बात की फिक्र थी कि ये चेहरा तुम्हें डराना दे। नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में मैं ही हूँ, एक गांव की लड़की जो पास में जलाने वाली लकड़ी इकट्ठा करती है। इस चेहरे की वजह से मैं कई सालों तक छिपती रहती हूँ। आज गलती से तुम्हारी मदद की पुकार सुनी तो मैं आ गई। हालांकि यहाँ के सांप बहुत जहरीले हैं, इसलिए घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी लड़की है, अगर वो मदद करना चाहती है तो मैं मना नहीं कर सकता। तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा ड्रैगन कुत्ता कहाँ चला गया, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकती हो? उसके बाद मैं ही जंगल के चारों ओर ड्रैगन कुत्ते को खोजने के लिए एसन की मदद करने लगी, लेकिन फिर भी उसे नहीं ढूंढ सके, इसलिए उन्होंने पर्सियस के घर लौटने का फैसला किया। तुम यहाँ हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एसन, क्या तुम वापस आ गए? अपने पिता की वापसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ आओ। मेरे पिता वापस आ गए? मेरे साथ जश्न में चलो, ये बहुत दिलचस्प होगा। मैं तुम्हारा सभी के सामने मुझे बचाने वाली लड़की के रूप में परिचय कराना चाहता हूँ। मैं बिना किसी परिचय के लिए अच्छे कर्म करती हूँ, इसके अलावा भले ही तुम्हें मेरे चेहरे से कोई परेशानी नहीं है,
इसलिए मैं हर किसी को अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ गया, तो तुम उस कोने में मेरा इंतजार कर सकती हो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। हरकुलिस, क्या तुम जानते हो, आज सुबह तुम्हारा प्रिय बेटा मुझसे हार गया। क्या ऐसा है ऐसन? हाँ, लेकिन मैंने चाचा पर्सियस पर पलटवार किया और लगभग जीत गया था। मैं बस मेड्यूसा की ढाल से नहीं लड़ सका, इसलिए हार गया। मैं अब कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। इसके बजाय आपको अपने भाइयों की तरह बनने और महान उपलब्धि हासिल करने के लिए अभ्यास करने में अधिक समय देना चाहिए। ऐसन, तुम्हारे पिता नशे में होंगे, इसलिए उन्हें नहीं पता कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे पिता हमेशा सोचते हैं कि मैं उनके बच्चों में सबसे कमजोर हूँ। क्या हुआ? क्या तुम पहले जश्न में शामिल होने के लिए उत्साहित नहीं थे? मैं था, लेकिन मेरे पिता मेरे अभ्यास को लेकर हमेशा सख्त रहते हैं। अभी हाल ही में जब उन्होंने ये कहानी सुनी कि मैं चाचा पर्सियस से हार गया क्योंकि मैं मेड्यूसा की ढाल से लड़ नहीं सका, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन तुम हार गए क्योंकि तुम चाचा पर्सियस की मेड्यूसा की ढाल से नहीं लड़ सके, है ना? इसका मतलब ये भी है कि अगर चाचा पर्सियस के पास वो खजाना नहीं होता तो वो जीत नहीं पाते। सही। तो अगर तुम उस ढाल को लेकर अपने पिता के सामने अगली चुनौती में उसका इस्तेमाल करते हो तो क्या तुम अपना सम्मान वापस पा सकते हो? ये सुनकर एसन खुशी से मेई को मेड्यूसा की ढाल को लेने के लिए पर्सियस के हथियार रखने वाले कक्ष में ले गया। हथियार कक्ष में एसन ने ऐसा कहा कि वो पर्सियस का पोता और हरक्यूलिस का पुत्र था, इसलिए सैनिकों को एसन को अंदर जाने देना पड़ा। यह है मेड्यूसा की ढाल। ये असल में वही है जो मैं ढूंढ रही थी। जीवन में वापस आ जाओ काले साहब। ये क्या है? क्यों, तुम्हारे पास मेरे शक्तिशाली झटके की शक्ति और मेड्यूसा की ढाल से काले सांप को पुनर्जीवित करने की शक्ति क्यों है? यहाँ आने के लिए तुम्हारा विश्वास का लाभ उठाने और साथ ही साथ तुम्हारी शक्ति की नकल करने में अपने जादू का उपयोग करने के लिए मुझे माफ कर दो एसन। मेरा असली उद्देश्य इस ढाल को प्राप्त करना और काले सांप को पुनर्जीवित करने का था, ताकि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से सर्वोच्च देवता जीएस से बदला ले सकूं। माफ कर देना। रुको, तुम नहीं जा सकती। मेई ने जल्दी से शक्तिशाली झटके का इस्तेमाल किया, एसन को जोर से मारा। हालांकि उसने जितना लगातार हमला किया, मेई उतनी कमजोर होती गई। ठीक है, मेरी नकल करने का जादू केवल पहली बार सबसे मजबूत शक्ति पैदा कर सकती है, दूसरी बार जादू कमजोर और कमजोर होता जाता है। इसलिए अगर मैं लड़ना जारी रखती हूँ तो मैं एसन का विरोध नहीं कर पाऊंगी। काले सांप, एसन पर हमला करो। मेई ने एसन पर हावी होते हुए काले सांप का फायदा उठाया। उसने फिर से एसन की शक्ति को निकालने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जैसा कि हुआ, हरक्यूलिस ने अपने दिमाग को शांत करने के लिए चल रहा था जब उसने हथियार कक्ष से एक शोर सुना। हरक्यूलिस जांच करने आया और उसे पता चला कि मेई ने काले सांप को पुनर्जीवित कर दिया था और वो एसन को बचाने के लिए दौड़ा। एसन, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम काले सांप को ढाल में कैद कर लेना। ठीक है। हरक्यूलिस लड़ने के लिए मेई की ओर दौड़ा और एसन को ढाल पाने का मौका दिया। हालांकि मेई ने भी आसानी से इसका पता लगा लिया और उसने एसन पर हमला करने के लिए पत्थर की मूर्ति बनाने वाले जादू का इस्तेमाल किया। मेई को घायल देख काला सांप एसन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। उसका पूरा शरीर अचानक जल उठा और उसके हाथ ने उसका सबसे शक्तिशाली झटका उसकी ओर दिया। उसी समय पर्सियस अपनी दिव्य तलवार के साथ वहां आ गया। मेई के पास लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। अंत में उन्होंने मेई और काले सांप को भागने दिया। पर्सियस और एसन हरक्यूलिस को घर वापस ले आए। उन्होंने हरक्यूलिस के लिए डरावने श्राप को उठाने के लिए दवा का इस्तेमाल किया। क्योंकि उसके शरीर को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए हरक्यूलिस सो गया।
ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन ये सच है कि मैं केवल परेशानी पैदा करना जानता हूँ। इस बार गलत व्यक्ति पर विश्वास करने के कारण मेरे पिता को डराने वाला काला सांप भाग निकला। मैं मेरे पिताजी की तारीफ के लायक नहीं हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने फैसला किया है कि मैं मेई को ढूंढ लूंगा और उसके बारे में पूछूंगा। कृपया मेरे पिता का ख्याल रखिएगा। एसन। और फिर एसन अपने उत्तर खोजने के लिए निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि उसके आगे कई कठिनाइयां और चुनौतियां हैं। कौन कहता है कि दो अलग अलग प्रजातियों के बीच भावुक संबंध नहीं हो सकते हैं? अगर इंसानों और ड्रैगन के बीच ऐसा संबंध होता तो क्या कोई दिलचस्प बात होती? आइए देखते हैं वाओ फेरी टेल्स के साथ आज की इस कहानी में। ये कहानी एक सुंदर और समृद्ध राज्य इलियास में हुई थी, जहां बुद्धिमान और प्रतिभाशाली राजा बेजिल और सुंदर और परोपकारी रानी एल्वा रहते थे। वे राज्य के लोगों द्वारा सम्मानित और प्यार किए जाते थे। उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी ईस्टर को जन्म दिया। एक दिन राजा बेजिल और उसके सैनिक शिकार करने जंगल में गए, क्योंकि उनका ध्यान एक हिरण का पीछा करने में लग गया था। राजा एक पहाड़ पर खो गए, जहां एक ड्रैगन सो रहा था। उसे देखकर वो इतने हैरान हो गए कि उन्होंने हिरण का पीछा करना बंद कर दिया, और जिसे देखकर उनका घोड़ा डर गया। ड्रैगन चौंक कर उठ गया। मानव, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था यह आपका क्षेत्र है। वो बस मैं यहां खो गया हूं। मैं यहां से अभी चला जाता हूं। तब राजा ने ड्रैगन के नींद में खल न डालने की कोशिश की, लेकिन वो वापस उसी जगह पर आता रहा। ड्रैगन, क्या आप मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता बता सकते हैं? मैं आपको ढेर सारा सोना चांदी दे सकता हूँ। मुझे उनकी जरूरत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। यदि तुम अपने बच्चों को मेरे साथ मित्रता करने के लिए यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। राज्य मेरे बिना नहीं रह सकता। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरी एक बेटी है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। मुझे बहुत देर तक प्रतीक्षा मत करवाना। हाँ। ठीक है, इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपको इस दिशा में सीधे जाने की जरूरत है। अपने दैनिक जीवन में लौटकर राजा धीरे धीरे ड्रैगन से किया अपना वादा भूल गए। उन्होंने जल्द ही ईस्टर की सगाई पड़ोसी राज्य के राजकुमार एलेक्स से करा दी, जब वे अभी भी बच्चे थे। समय बीतता गया। राजकुमारी ईस्टर अब बड़ी और सुंदर हो गई थी। जब वो 17 साल की थी तब उनकी मुलाकात राजकुमार एलेक्स से हुई, और उनकी शान के कारण उससे उनसे प्यार हो गया। उनकी और एलेक्स की असल में पहले ही सगाई हो चुकी थी, और अब जब ईस्टर 18 वर्ष की हो जाएगी तब उनकी शादी तुरंत आयोजित की जाएगी। इलियस के लोगों ने राजकुमारी की शादी की तैयारी के लिए राज्य को उत्साह से सजाया, क्योंकि ईस्टर के 18वें जन्मदिन में केवल एक ही सप्ताह बचा था। देखो, लोग मेरे जन्मदिन को कितने शानदार तरीके से मनाते हैं। हमारी शादी के दिन सब कुछ और भी शानदार होगा। ईस्टर ने सभी के प्यार और आशीर्वाद के साथ एक खुशी भरा 18वां जन्मदिन मनाया। वो उस दिन तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब वो उस व्यक्ति से शादी करेगी। जन्मदिन मुबारक हो राजकुमारी। जन्मदिन मुबारक हो। आपको 18वां जन्मदिन मुबारक हो। महाराज, क्या आप ठीक है? कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। क्या आपको वो ड्रैगन याद है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था? कल रात वो मेरे सपने में दिखाई दिया और कहा कि अगली रात आकर एस्टर को ले जाएगा। तो क्या इसे अभी भी टाला नहीं जा सकता? क्या हम और कुछ नहीं कर सकते? वे मेरे लिए भी सब कुछ है। जल्दी से उन्हें ढेर सारा सोना तैयार करने के लिए कहो। उम्मीद है कि वो ड्रैगन अब एस्टर को अपना उद्देश्य नहीं बनाएगा। आधी रात को जब राजकुमारी ईस्टर 18 साल की हुई तो ड्रैगन अचानक उसके जन्मदिन के उत्सव में आ गया। ये इतना अचानक हुआ कि कमरे में हर कोई आश्चर्य था। आखिर वो दिन आ ही गया। एक वादे के रूप में। पिताजी, आपका क्या मतलब है? मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारी केवल एक ही बेटी है। अगर आप उसे छोड़ दें तो मैं बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। उस दिन आपने राजकुमारी को मेरे साथ आने देने का वादा किया था। मैं भी उनके 18 साल की होने का इंतजार करने को तैयार हो गया। तो अब आप अपने वादे को तोड़ना चाहते हैं?
आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और बिजली गिरने लगी। राजा, रानी और लोगों पर हमला करने के लिए ड्रैगन ने आग उगलनी शुरू कर दी। कृपया आप लोगों को नुकसान न पहुंचाए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इतना है, मेरे पीछे आओ। एस्टर! ड्रैगन के पहाड़ पर पहुंचकर ईस्टर को आश्चर्य हुआ क्योंकि ड्रैगन के अलावा वहां अनगिनत गोल पत्थर थे जो उनका काम करने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। पहाड़ पर ड्रैगन के साथ रहने के पहले कुछ दिनों में ईस्टर बहुत दुखी हुई। दिन के दौरान उसने उन हंसमुख लोगों को जानने में समय बिताया। हालांकि वे बात नहीं कर सकते थे, फिर भी वे बात करने के लिए प्यारे इशारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रात में वो आमतौर पर घर की याद आने के कारण रोती थी और अपने सज्जन और प्यारे एलेक्स को याद करती थी। हालांकि कुछ समय वहाँ रहने के बाद ईस्टर ने महसूस किया कि ड्रैगन उतने डरावने नहीं थे जितना उसने सोचा था। उन्होंने उसके लिए पहाड़ में रहने के लिए एक अच्छी जगह तैयार की और यहाँ तक कि उसे आराम देने के लिए सुंदर फूल और मीठे फल भी लाए। इसलिए ईस्टर ने ड्रैगन से बात करने की कोशिश करने का फैसला किया। मिस्टर ड्रैगन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ठीक है, पूछो। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। धीरे धीरे ईस्टर ने महसूस किया कि वे आश्चर्यजनक रूप से दोस्त बन गए हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो कभी कभी ड्रैगन उसे अपने पीठ पर बिठा लेता था और उसे आसमान में ले जाता था, जमीन पर सब कुछ दिखाने के लिए। ईस्टर खुश थी और ड्रैगन के साथ पहले से कई ज्यादा मुस्कुराती थी। राज्य में एलेक्स अभी भी योजना बना रहा था, ईस्टर को बचाने के अवसर की तलाश कर रहा था। अंत में एलेक्स ये पता लगाने में कामयाब रहा कि उस ड्रैगन ने उसकी मंगेतर को कहाँ रखा था। तो मेरे पास आपको वापस लाने के लिए एक योजना है। एक दिन पक्के रास्ते का पीछा करते हुए एलेक्स ईस्टर को खोजने के लिए पहाड़ पर गया। सौभाग्य से ईस्टर एलेक्स को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अचानक उसे पछतावा हुआ जब उसे यह स्थान छोड़ना पड़ा और उन दोस्तों से दूर रहना पड़ा जिन्हें वो अभी अभी मिली थी। एस्टर, राजा और रानी हर दिन आपको याद करते हैं, मेरे साथ जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ईस्टर ने बहुत देर तक सोचा और एलेक्स की बातों ने उसे जगा दिया। वो वास्तव में घर जाना चाहती थी। राज्य में पहुंचने के बाद जल्द ही उसे एहसास हुआ कि राज्य एक उजाड़ और बर्बाद जगह में बदल गया है। छोटी सी बारिश एक बुरी खबर का संकेत दे रही थी। महल में प्रवेश करके उसने देखा कि उसके माता पिता उनके गले में बेड़ियों के साथ बैठे हैं। ईस्टर, एलेक्स, क्या हो रहा है? क्या ये काफी स्पष्ट नहीं है? मुझे जल्द से जल्द इस राज्य को नियंत्रण करने के लिए हमारी सगाई की व्यवस्था करनी थी, लेकिन तुमने मुझे उस ड्रैगन के लिए छोड़ दिया और मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। महाराज, मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन अब जब राजकुमारी एस्टर यहाँ नहीं है तो क्या आपको भी मुझे सिंहासन दे देना चाहिए? ये आप क्या कह रहे हो? इतना ही नहीं, आप राजकुमारी को नहीं देख सके, इसलिए भविष्य में जब वे ड्रैगन यह राज्य आपसे मांगेगा तो आप उसे सब कुछ दे देंगे? आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? या आप केवल मेरा सिंहासन चाहते हैं? कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार मैंने राजकुमारी को किसी और के साथ जाने दिया। क्या आपको लगता है कि मुझे और इंतजार करने की जरूरत है? सैनिकों, जल्दी करो और एलेक्स को गिरफ्तार करो। क्या आपको लगता है कि लोग अपनी बेटी को बचाने वाले राजा पर भरोसा करेंगे? सारिक, हमारा राजा अपने गलत कामों के कारण अपना सिंहासन त्यागना चाहते हैं, तो अब मैं इस राज्य पर अधिकार करूंगा। आइए हमारे सम्मानित राजा को उसके परिवार के पास वापस ले जाएं। उन्हें गिरफ्तार करो और मुख्य दरबार में ले जाओ। ओह, ये सही है। जहां तक एस्टर का सवाल है, मुझे पता है कि वो कहां है और मैं जल्दी उसे आपके पास ले आऊंगा। फिर आपको दोनों के बीच चुनना होगा, इस देश को सौंपना या अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देना। तुम उसे नुकसान मत पहुंचाना। आपको बस मुझे अपना सिंहासन देने के लिए सहमत होना है। एस्टर, आपको पता है, आपको सुरक्षित रखने के लिए हमारे राजा मुझे सिंहासन देने के लिए सहमत हो गए हैं। ये केवल समय की बात होगी, इससे पहले कि आपको मेरी सेवा करनी होगी। ईस्टर बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं थी इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। बस अपने माता पिता की तरह कैद हो गई थी। ड्रैगन के लौटने के बाद ईस्टर को गायब देखकर वो क्रोध में राज्य की ओर उड़ गया। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। मानव, जल्दी से मेरे राजकुमारी ईस्टर को लौटा दो।
पूर्व राजा आपको दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दे सकता। सब लोग हमला करो। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। हालांकि उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, लेकिन एक आम इंसान की ताकत से एलेक्स ड्रैगन को नहीं हरा सका। वो हमेशा खतरे में रहता था। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने राजकुमारी को ऊंचे महल में लाने के लिए सैनिकों को भेजा और उसे नीचे गिराने की धमकी दी। तुम्हारी एस्टर दूसरी तरफ है, क्या तुम उसे समय रहते बचा पाओगे? जिस व्यक्ति को वो प्यार करता था उसे खतरे में देखकर ड्रैगन राजकुमारी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। एलेक्स ने इस मौके का फायदा उठाया और ड्रैगन के पीछे से उस पर तलवार से वार कर दिया। घातक वार के कारण ड्रैगन दर्द में था। ड्रैगन की गरज अब डरावनी नहीं रही। उसने एलेक्स को धक्का मारकर दूर गिरा दिया और फिर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर ईस्टर रो पड़ी और ड्रैगन को गले लगा लिया। ड्रैगन कृपया मुझे मत छोड़ो, कृपया मुझे माफ कर दो कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था। ड्रैगन कमजोर और कमजोर हो गया। राजकुमारी को आखिरी बार देखने की कोशिश की और फिर राख में बदल गया। आप ठीक हो, मेरे लिए ये काफी है। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो। ईस्टर फूट फूट कर रोने लगी। वो ड्रैगन के मरने पर बहुत दुखी थी। चमत्कारिक रूप से जब उसके आंसू राख पर गिरे तो एक प्रकाश चमक उठा। राख धीरे धीरे जम गई और एक सुंदर युवक में बदल गई। दरअसल मैं एक राज्य का राजा था, लेकिन मेरे अहंकारी स्वार्थी व्यक्तित्व के कारण मुझे ड्रैगन बनने का श्राप मिला। केवल जब आप सच में जान जाएंगे कि दूसरों के लिए प्यार और बलिदान कैसे किया जाता है तो आप मानव रूप में लौट आएंगे। ये सुनकर ईस्टर बहुत खुश हुई और उसने उसे गले से लगा लिया। एलेक्स की हार देखने के बाद एलेक्स का साथ देने वाले सैनिक जल्दी से टूट गए और राजकुमारी ईस्टर के आदेशों का पालन करने लगे। मेरे लिए इस देशद्रोही को गिरफ्तार करो, इसके अलावा मेरे माता पिता को जल्दी से रिहा करो। एलेक्स बेहोश हो गया था और जब उसने अपनी आँखें खोली तो उसे पहले से ही जेल में डाल दिया गया था। ड्रैगन के बचाव के लिए धन्यवाद। पूरा राज्य वापस शांतिपूर्ण हो गया। ईस्टर से शादी करने के लिए पूछने के लिए युवक राजा और रानी से मिला और हाँ, राजा और रानी दोनों सहमत हो गए। ईस्टर ने अलविदा कहने के लिए अपने माता पिता को गले लगाया। वो पत्थर भी वापस नागरिकों और घरेलू नौकरों में बदल गए थे। ईस्टर और सुंदर राजा ने तब सदा के लिए सुखी जीवन व्यतीत किया।